लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रघु अम्मा चाबी उठाओ। मेरा मुंह क्या देख रहा है, चाबी उठाओ। मैनेजर जी, तुमने लीना और ईशा के लिए नए रिश्ते क्यों नहीं ढूंढे अभी तक? मैडम, रिश्ते तो मैंने कई ढूंढे हैं, मगर कोई भी इस घर का दामाद बनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि वो लॉन्ड्री में काम करना पसंद करते हैं, पत्थर फोड़ना पसंद करते हैं, कोल्हू के बैल बनना पसंद करते हैं, मगर इस घर में दामाद बनना पसंद नहीं करते। ठीक है, तुम जाओ डॉक्टर दिलीप सिन्हा के पास और कहना वो रिश्ता हमें मंजूर है। हेलो पापा, मम्मी ने मैनेजर को डॉक्टर दिलीप सिन्हा के घर भेजा है बात पक्की करने। लेना और ईशा, तुम फिकर नहीं करो, मैं मैनेजर से बात कर लूंगा। थैंक यू पापा। सर क्या कह रही थी वो? कल इम्तिहान है, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, समझे? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आओ। आपने मुझे याद किया? मिस्टर हनुमान सिंह जी, क्या तुमने रामायण पढ़ी है? रामायण? यस सर, पढ़ी है। हनुमान का स्थान कहाँ होता है? राम जी के चरणों में सर। अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम समझ गए होगे कि मैं क्या चाहता हूँ। समझ गया सर, समझ गया। अब वही होगा जो राम निवास तिलक चाहेंगे। सर अब मैं लंका चलूं? चलूं क्या, उड़ के पहुंचो। यस सर। यस डॉक्टर सिन्हा की ये मजाल। मैडम मैंने उनको बहुत समझाया। समझाने की क्या जरूरत थी, पूछा होता रिश्ता पसंद क्यों नहीं। डॉक्टर सिन्हा ने कभी इतनी सारी दौलत और जमीन देखी नहीं है जो हिमाकत पर उतर आए? जी कहा तो था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कहा कि जब लक्ष्मी देवी अपने पति को छोड़ बैठी हैं, तो उनकी लड़कियों से क्या उम्मीद की जा सकती। उन्होंने कहा गंवार कहीं का। मैडम मेरी नजर में दो लड़के हैं, उनका बाप फॉरेन में रहता है, पूरे सात समंदर में उनके जहाज चलते हैं, लड़के बॉम्बे आए हुए हैं हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी करने, अगर इजाजत हो तो ले आऊं यहाँ। मैनेजर ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैडम लड़के दिल के हिंदुस्तानी हैं, मगर मिजाज के अंग्रेजी हैं। मैनेजर तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जल्दी ले आओ। थैंक यू। कमू अगो भाई, ये कोई साफ करने का तरीका है? भाई जुड़ेल भाई, शहद की बाटल गिर गई थी, मैं साफ करने ही तो आ रही थी। साफ करने आ रही थी, चाटिए शहद अपनी जबान से। और तुम जानती हो तुम्हारी नौकरी उन आवारा ओमी और विकी की वजह से चली गई? यस मैडम। मैंने तुम्हें ये नौकरी इसलिए दी है कि तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो। यस मैडम। वो कभी यहाँ आसपास नजर आए तो उन्हें गेट से बांध देना। यस मैडम। लो वो आ गए। आइए आइए, प्लीज कम। या या वेलकम, थैंक यू। आइए, आप हैं लक्ष्मी देवी, लीना और ईशा की माता जी। ओह नाइस टू मीट यू। आप हैं मिस्टर संपत कुमार कपाड़िया, इन्हें सैम कहते हैं। और आप हैं मिस्टर हरि कुमार कपाड़िया, इन्हें हैरी कहते हैं। आइए आइए अंदर आइए। आइए आइए आइए। ओह श्योर श्योर। संडू मैं दूर की सोचता हूँ, मुझे तो लगता है कि दोनों ओमी और विकी हैं। पांडू सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, उस दिन भी तूने लक्ष्मी देवी की दोनों लड़कियों को ओमी और विकी समझ के हथकड़ियां पहना दी थी। हाँ लेकिन उस दिन तू भी तो मेरे साथ था। मैं भी धोखा खा गया था, इसलिए अब होशियार हो गया हूँ। और याद रख, ये नौकरी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। हाँ, समझा? तो फिर ये है कौन बताऊं? हाँ, उनके बाप की औलाद। ओ हाँ। हैं? बैठिए बैठ जाइए।
आपने क्या कसूर किया है? आप भी बैठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं यूं ही ठीक हूँ। खड़े रहने का इतना ही शौक है तो इलेक्शन में खड़े होइए, यहाँ तो बैठ जाइए। ठीक है। आपके पिताजी भी साथ आए होते तो बहुत अच्छा होता। नो, हमारा डैडी बहुत बिजी बिजनेसमैन है, उनका 40 जहाज समंदर में चलता है। 40 जहाज? सर, एक जहाज की कीमत कितनी होती होगी? यही कोई 11 करोड़ रुपया। 11 करोड़? इंडिया से हमारा बैलेंस पेमेंट कुछ 15 करोड़ का निकलता है। 15 करोड़? ओ या, सुना है आप हमारा इंटरव्यू लेना चाहती? नहीं तो हमारे मैनेजर ने आपसे मजाक किया होगा। मजाक? मजाक किया था। मगर मिसेज लक्ष्मी देवी। हाँ मिसेज लक्ष्मी देवी, हम लड़कियों का इंटरव्यू जरूर लेंगे। जरूर लीजिए। मैनेजर जी, ऊपर जाकर लीना और ईशा को नीचे ले आओ। जी। ये है लीना और ये है ईशा। नमस्ते। रानी बेटियों, उठ जाओ, कहीं गर्दन में मोच ना आ जाए। कुकिंग यानी क्या कहते हैं उसे, वो पकवान बना सकते हैं हम दोनों? जी। सरसों का साग और मकई की रोटी बना सकते हैं? जी। गुड। बैंगन का पास्ता? जी। एक्सेलेंट। गाजर का हलवा? जी। मार्वेलस। आप तो कितने बड़े रहकर भी कितना सीधा साधा खाना पसंद करते हैं। है ना मैनेजर? बड़े लोगों के यही तो गुण होते हैं मैडम। अब एक आखिरी सवाल, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? सोच के बताइए। तीन। वंडरफुल। मिसेस लक्ष्मी देवी, हमको तुम्हारा लड़की लोग कुछ कुछ पसंद आया, मगर मगर क्या? हम लोग इनको आउटिंग पे ले जाना मांगता है ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन डरिए नहीं, आउटिंग यानी सिर्फ आउटिंग, डेटिंग नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ खंडाले तक जाकर आइए। माहूने इसलिए डरती हूँ। नो फियर, हम इनको टच भी नहीं करेंगे। संभाल के आजा, देख संभाल के भाया। इसका नाम मीठा लाल है और मेरा नाम खट्टा लाल, हम दोनों भाई हैं। तुम्हारे माँ बाप ने शक्कर और नींबू के पैसे बचाने के लिए रखा होगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। बहुत अच्छी जगह है क्या? अच्छी? नो नो नो, बहुत ही अच्छी। अगर बीमार पड़ गए तो सारे डॉक्टर वही मिलेंगे, और अगर झगड़ा हुआ तो सारे वकील मौजूद। क्यों हैरी? या यूनियन बनाने के लिए लीडर मिलेंगे, सियासत चलाने के लिए नेता मिलेंगे, बहुत ही फैला हुआ कारोबार है ना सैम? जहन्नम जाने का टिकट कितना होगा? टिकट विकेट कुछ नहीं, फ्री यात्रा।
फ्री, तब तो हमारा बाप भी वहीं गया होगा। ये तो अंधेरा ही गया। क्या कर रहे हो? अरे पपीरा निशान अरे बिंदी गाल पे कमाल हो गया ये क्या दवाई है? ये दवाई नहीं, टॉनिक है, बहुत कीमती टॉनिक है। इसका एक बूंद 1000 का होता है। एक बूंद 1000 की? मगर इसका फायदा? फायदा फायदा है, और वो ये कि आदमी बुढ़ा नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। हाँ तो फिर मेरी बच्चियों को भी दीजिए ना। ओ या, श्योर श्योर, गो अहेड। क्या मैं भी एक बूंद ले सकती हूँ? आप बगैर बूंद के जवान लगता है क्यों? मैं तो आपको पहली नजर में देख के ये समझे थे कि आप रीना और ईशा का बड़ा बहन है। हर कोई यही समझता है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ इस टॉनिक में खूबी क्या है। या या लीना, मम्मी को टॉनिक दो। सॉरी, छोड़िए, दूसरा बूंद ले लीजिए। हाँ नहीं नहीं, इतनी कीमती चीज को कैसे छोड़े। रघु, अम्मा, टाइगर को घुमा के लेके आओ। मैनेजर जी, संपत और हरी बहुत अच्छे लड़के, मुझे ये रिश्ता पसंद। यस हनुमान सिंह, मैनेजर एंड पर्सनल सेक्रेटरी टू। सेक्रेटरी के बच्चे, अब देर किस बात की है, कल शाम तक मंगनी करा दो। जी जी, समझ गया, ऐसा ही होगा। किसका फोन था? वो जेल सुपरिंटेंडेंट का फोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था वो लफाड़िए ओमी और विकी 4 बजे जेल से छूट रहे, 5 बजे यहाँ पहुंचने वाले, 6 बजे लीना और ईशा से शादी करेंगे, 7 बजे बच्चे पैदा करेंगे। शाप! ये क्या बक रहे हो? ओह सॉरी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैडम। तो फिर उनके आने से पहले मंगनी का इंतजाम कर दो।